हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिरप आइदर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या है और सस्पेंशन में क्या है, जो मोस्टली सिरप्स फार्मूलेशन में जो मेडिसिन होती है, जो बच्चों में मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन होती है, या तो वो सॉल्यूशन होती है या सिरप फॉर्म में होती है या सस्पेंशन फॉर्म में होती है। तो आज हम इसका डिफरेंस सीखेंगे। अक्सर अवकात ऐसा होता है जब डॉक्टर मोस्टली बच्चों को चिल्ड्रेन को जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही होती है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, तो उनका मोस्टली जो तरीका इस्तेमाल होता है उनको अक्सर अवकात पता नहीं होता। वो सारी मेडिसिन यूज़ कर जाते हैं लेकिन उनको इफ़ेक्ट या उनकी जिस डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वो सिरप लिया या सस्पेंशन लिया है, एंड में उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, और वो कहते हैं कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। एक और रीज़न भी होता है कि समटाइम हमारे यहाँ जो जो फार्मेसीज हैं, मेडिकल स्टोर हैं, उन पे अनक्वालिफाइड पर्सन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, मैट्रिक पास या इंटर पास या उससे भी थोड़े कम एजुकेटेड होते हैं, या फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होते फार्मेसी पे, तो उसके लिए प्रॉपर जो है पेशेंट को यूजेज की काउंसलिंग नहीं हो पाती। तो इस वजह से भी जो मेडिसिन के रिज़ल्ट हैं या उसके जो बेनिफिट्स हैं या उसका जो किसी भी डिजीज़ में ली जाए तो उसके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो आए हम आम रूटीन में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मोस्टली बच्चों में मेडिसिन, उसमें सिरप सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, उसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, वो इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये सब अवेयरनेस सब तक पहुँच सके। तो आए शुरुआत करते हैं। पहले सिरप से ले लेते हैं। सिरप आइदर सॉल्यूशन, द सॉल्यूट इज़ कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड। जो सिरप होती है उसमें जो सॉल्यूट होता है, जो जिससे मतलब सिरप बनता है, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, मतलब एक ही होमोजीनियस टाइप की आपको वो जो है सॉल्यूशन उसमें अपीयर होती है। और दूसरा मैं आ लाता ले लेता हूँ सस्पेंशन में। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड, जो सस्पेंशन में जो सॉल्यूट होगा, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, जो मेडिसिन को इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व जो होता है वो नहीं होता है। मैं एंड में आपसे एग्जांपल शेयर करूंगा, अभी मैं की पॉइंट डिस्कस कर लूं ताकि आप समझ लें। एंड में मैं सस्पेंशन के भी एग्जांपल बताऊंगा और सिरप के भी एग्जांपल बताऊंगा। दूसरी पॉइंट है, आर आइडियल फॉर यंगर चिल्ड्रेन बिकॉज द शुगर वॉट्स ऑफ बिटर टेस्ट। जो सिरप्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, वो जो है मोस्टली चिल्ड्रन बच्चे अक्सर अवकात पसंद करते हैं क्योंकि उनमें शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसकी टेस्ट जो है स्वीट होती है, बिटर नहीं होती। जबकि सस्पेंशन जो है मे नॉट बी आइडियल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ एन अनडिज़ायरेबल टेस्ट। सस्पेंशन का जो होता है वो टेस्ट जो है समटाइम बिटर होता है, जो मोस्टली पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक्स होती हैं या सस्पेंशन होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका टेस्ट जो है वो शुगर की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से अनडिज़ायरेबल होता है। अतः थर्ड पॉइंट की तरफ, नॉट सुइटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं उनमें शुगर की लेवल जब ज़्यादा होती है तो उसमें मोस्टली जो है सिरप फार्मूलेशन प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही थी, शुगर फ्री उसमें कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसमें शुगर की कंसंट्रेशन सिरप्स में ज़्यादा होती है। सुइटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, जबकि सस्पेंशन में शुगर की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसमें मोस्टली डायबिटिक पेशेंट के लिए सस्पेंशन कंसीडर किया जाता है। आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे, फोर्थ नंबर पॉइंट पे, नो नीड टू शेक बिफोर यूज़। जो सिरप होते हैं वो उसमें होमोजीनियस मैंने बता दिया सॉल्यूशन होती है, तो उसमें नो नीड टू शेक बिफोर यूज़, उसे शेक करने का ज़रूरत हमें नहीं होती। जो मेडिसिन पड़ी होती है वो होमोजीनियस है तो उसी वजह से मैं उसमें हमें शेक करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिरप में ये हमें नोट करना होता है। बाकी सस्पेंशन में जो मेजर डिफरेंट है, नीड टू शेक बिफोर यूज़। जो सस्पेंशन हमारे पास पाउडर फॉर्म में, जो पार्टिकल फॉर्म में या हिट्रोजीनियस, इसमें दो अलग अलग तरीके से जब वो उसके सस्पेंशन हो तो उसको हमें अच्छे तरीके से शेक करना है,
उसको शेक करके दोबारा हम उसे ही डोज दे सकते हैं, क्योंकि अगर शेक नहीं करेंगे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर जो है जस्ट वो सॉल्यूशन या जो जो कहें कि उसके लिए जो सॉल्वेंट होता है वो अपर पार्ट में आ जाता है, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट नहीं होता। समटाइम फिर जब एक्टिव इंग्रेडिएंट बॉटम में सेटल डाउन होते हैं, समटाइम फिर वो डोज जो है उसके लिए प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहा होता। इसी वजह से सस्पेंशन में ख़ास तौर पे जब बोतल लें तो उसमें देखा करें कि उस पर लिखा होगा कि ये सस्पेंशन है या ये जो है सीरप है। सस्पेंशन हो तो उसको अच्छे तरीके से जब भी आप डोज देना हो तो अच्छे तरीके से उसको शेक वेल बिफोर यूज़ करें बोतल को, और अगर सस्पेंशन ना हो सीरप लिखा हुआ तो उसमें शेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वेन ए सॉल्यूशन इज लेफ्ट टू स्टैंड द सॉल्यूट डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्वेंट। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जब हम सिरप को घर में रखे होते हैं 1 मंथ के लिए, समटाइम सिरप अवेलेबल होती है, 15 डेज के लिए समटाइम अवेलेबल होती है, तो उसमें जो है वो होमोजीनियस की वजह से सॉल्वेंट जो है उसमें मिक्स हो चुका होता है, तो उसको जो है शेक करने की ज़रूरत नहीं होती। दोबारा रिपीट करता हूँ, वह और सस्पेंशन में क्या है, वेन सस्पेंशन इज लेफ्ट टू स्टैंड द इनसॉल्यूबल सॉलिड सेटल टू बॉटम ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट सस्पेंशन में जब आ जाएं तो हमारे पास अगर सस्पेंशन का अनसील्ड मतलब वो हमने सस्पेंशन को ओपन नहीं किया, बोतल रखी हुई है हमारे पास, तो वो जो है इनसॉल्यूबल सॉल्वेंट जो हैं वो बॉटम में आ जाते हैं। बॉटम के आने वजह से जब भी इसको जब यूज़ करें तो जो मैंने मेजर डिफरेंस बताया उसको शेक अच्छे तरीके से करनी होती है। बाकी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसमें जो है सिरप में जो एग्जांपल्स हैं मोस्टली जो है एलर्जी कंडीशन में जो सिरप प्रिस्क्राइब किया जाए सोर थ्रोट में, उसमें जैसे सिट्राजिन सिरप है, सिट्राजिन सिरप है जो उसमें सीरप फार्मूलेशन में आता है, या एंटी इमेटिक जो सीरप्स होती हैं, वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में होती है। एंटी इमेटिक जो वोमाइटिंग के लिए हम ले रहे होते हैं, ग्रेविनेट ले रहे होते हैं, मोटिलियम सीरप ले रहे होते हैं, वो जो है वो भी सीरप फार्मूलेशन में होती है। थर्ड नंबर पे आती है और जो कफ सीरप्स होते हैं, कफ सीरप्स होते हैं वो भी जो है ना वो सस्पेंड सॉल्यूशन या सीरप फॉर्म में होती है। तो उसमें जब भी आप मेडिसिन लेंगे वो चाहे सीरप फॉर्म में हो या सस्पेंशन फॉर्म में हो, उसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें कि ये जो सस्पेंशन सीरप है इसमें क्या कौन से जो प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, कौन से अदर्स जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है वो हम मॉनिटर कर लें। और दूसरी मैं बात बताता चलूँ, जो समटाइम हम सीरप ले के रख लेते हैं घर में, हमने एक बार उसे ओपन कर लिया तो उसकी एक्सपायरी नियर अबाउट 3 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सीरप हमारे पास घर में पड़ा हुआ है, वंस हमने उसको ओपन करके यूज़ किया है, बाद में उसको कैप लगा के अगर हम घर में रख लेते हैं तो उस पे डेट पेन से या मार्कर से लगा के रख लिया करें कि हमने इसको फरवरी में इस तारीख को ओपन करके रखा था। उसके बाद 3 मंथ के ड्यूरेशन तक आप उस सीरप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 मंथ से ऊपर गुजर जाए तो आप उसको डिस्कार्ड कर लें। हम दूसरी तरफ सस्पेंशन के एग्जाम्पल में आते हैं, मोस्टली जो है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स सस्पेंशंस, एंटीबायोटिक सस्पेंशन में मोस्टली जो आप कह लें सेप्ट्रॉन सीरप है, सेप्ट्रॉन, कोएमिग्जिक्लोव जो ऑगमेंटन में आता है, ये क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। पाउडर फॉर्म में होते हैं जब उनमें हम सॉल्वेंट जब इंसर्ट करते हैं, उसको प्रॉपर रेडी टू यूज़ में जब लेके आते हैं तो उसमें पाउडर फॉर्म डिजॉल्व तो इनसॉल्यूबल पार्टिकल मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं होते। जब हम उसको डोज दे के दोबारा हम रख लेते हैं कुछ टाइम के बाद फिर से वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो इनसॉल्यूबल पार्टिकल उसमें डिजॉल्व नहीं होते। मोस्टली एंटीबायोटिक्स हैं इसमें जो है, हम देखा करें पेन किलर्स में ब्रोफेन सीरप, ब्रोफेन है या कालपोल है,
ये आम रूटीन में हमारे जो है घर में ये मेडिसिन पड़ी होती हैं जो जो हम अक्सर औकात उसको इस्तेमाल करने से अगर शेक वेल नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से उसे शेक नहीं करेंगे, तो वही सस्पेंशन जो होगी वो चिल्ड्रेन में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी तो जो जो कंप्लेन होगी, जो डायग्नोसिस की कंप्लेन होगी, वो क्यूर नहीं होगी। इस वजह से मोस्टली आप सस्पेंशन में और सिरप में ये आप एहतियात किया करें कि उसको अच्छे तरीके से रीड आउट ज़रूर करें। सस्पेंशन में समटाइम ऐसा होता है रेड नंबर्स में आप कहीं पे भी देखेंगे तो उसमें बड़ा सा लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, तो वो मोस्टली सस्पेंशन के लिए लिखा होता है, सिरप के लिए नहीं लिखा होता। तो ये मेजर दो डिफरेंट हैं सस्पेंशन में और सिरप में। आई होप कि आपने इससे अच्छा एक आइडिया निकाल लिया होगा कि घर में अगर कोई भी अभी भी आप चेक कर लें, अगर घर में आपके कोई भी सिरप पड़ा हुआ है, सस्पेंशन पड़ा हुआ है, उसको उठाएं, एक अच्छे तरीके से रीड आउट करें ताकि आपकी हैबिट में जो है प्रॉपर जो रेशनल यूजेज है मेडिसिन का सिरप फार्मूलेशन में, सस्पेंशन फार्मूलेशन में, वो आप इसको आपको आना चाहिए अगर घर में बच्चों के लिए कोई भी पड़ा हुआ है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।